नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं एयरटेल लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंशु भारद्वाज। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को एयरटेल एक्सप्रेस पे। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति सहित पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल। रायसीना सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी को हराने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयास की अपील की। वैक्सीन के लिए मोदी सरकार ने हटाई अपनी शर्त, अब विदेशी कंपनियों को मिलेगी अनुमति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को किया रद्द। देश भर में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 184,000 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में चल रहे महाकुंभ में 18 साधु और 100 से ज्यादा श्रद्धालु निकले कोरोना पॉजिटिव। देश भर में कोरोना ने मचाया हाहाकार, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में लागू हुआ पाबंदियों का नया दौर। मुंगेर फायरिंग केस में पटना हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस मुख्यालय ने की बड़ी कार्रवाई, 13 पुलिस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। बिहार में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 3 मेडिकल कॉलेजों में IAS अफसरों की हुई नियुक्ति। 7 समुंदर पार से बिहार की बेटी ने नीतीश कुमार से लगाई गुहार, कहा मातृभूमि का कर्ज उतारने से रोक रहे गुंडे। कोरोना महामारी के कारण पलायन हुआ शुरू, बिहार सरकार लोगों को रोजगार देने की कर रही तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने नीतीश सरकार की बढ़ाई चिंता, जिसको लेकर पटना DM ने की अधिकारियों के साथ बैठक, साथ ही जारी किया दिशा निर्देश। पटना की सड़कों पर शुरू हुआ पोस्टर वार, कोरोना भगाने के लिए बिहार में चुनाव कराने की मांग। पटना के डाक बंगला चौराहे पर स्थित इंडियन ऑयल के दफ्तर में लगी आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सारा निशाना, कहा ICU में है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। ममता बनर्जी को मिला तेजस्वी यादव का साथ, कहा सत्ता की गुलामी कर रहा निर्वाचन आयोग। चिराग पासवान को फिर लग सकता है जोर का झटका, 14 लोजपा नेता पार्टी छोड़ने को तैयार। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर वाहन समेत भारी मात्रा में शराब किया बरामद। बिहार के विश्वविद्यालयों में समिति के जरिए होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। कोरोना संक्रमण से बिगड़ रहे बिहार के हालात, पहली बार 4100 से ज्यादा नए मामले आए सामने, तो वहीं पटना समेत पूरे राज्य में 45 कोरोना मरीजों की हुई मौत। बिहार विधानमंडल में भी पहुंचा कोरोना संक्रमण, 2 कर्मचारियों की हुई मौत। दानापुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में देर रात अपराधियों ने की लूटपाट, साथ ही विरोध करने पर यात्रियों को भी मारा पीटा। नवादा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित, जिसको लेकर नवनिर्मित भवन को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए SDO ने किया निरीक्षण। बगहा जिले के पटकौली OP पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब कारोबारी के साथ भारी मात्रा में शराब किया बरामद। अभी के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए एयरटेल लाइव इंडिया से।